खालिस्तानी समर्थक पन्नू के पंजाब बंद की धमकी पर बोले भाजपा के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव सुखमिंदर पाल सिंह ग्रेवाल, कहा सिख फॉर जस्टिस एक पाकिस्तानी फंडेड संस्था है जो पंजाब और देश में अमन चैन का माहौल खराब करना चाहती है। हरियाणा के परिवहन मंत्री सहित 909 मरीजों ने कोरोना को हराया, 24 घंटे में 1295 नए केस। प्रणब मुखर्जी की तबियत और बिगड़ी, फेफड़े में इंजेक्शन के कारण आया सेप्टिक शॉक। कोरोना के कारण एसी कोच में कंबल चादर तकिया देना हमेशा के लिए बंद कर सकता है रेलवे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बिहार से मजदूरों को लेकर अंबाला जा रही जीप ट्रक में घुसी, 5 की मौत, कई घायल। महाराष्ट्र में 4 दिन नहीं होंगी नोटों की छपाई, नासिक प्रेस में 40 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। सुशांत केस में सीबीआई जांच का 11वां दिन, लगातार 4थे दिन रिया से होगी पूछताछ, एक्टर की बहन नीतू को भी जांच एजेंसी ने बुलाया। कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटे में आया कोरोना के 78,512 नए मरीज, 971 की मौत, कुल केस 36 लाख के पार। शेयर बाजार हरे निशान में, सेंसेक्स 421 अंकों के उछाल के साथ खुला। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।